प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बेखौफ बदमाश बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव दिनौरा का है, जहां घर में सो रहे किसान की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हत्या का कारण परिवार वाले पुरानी रंजिश को मानकर चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल रात में सूचना मिली कि धनारी थाना नगर ग्राम दिनौरा में एक हत्या हो गई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर धनारी और मैं स्वयं घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे। घटना वहाँ पर देखा गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोमवीर था, पिता का नाम रमेश, जिसके गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद तत्काल बाद लाश का पंचनामा भरवा के उसको हॉस्पिटल पहले उसको हॉस्पिटल भेजा गया ताकि हो सकता अगर कहीं भी उसकी सांस चल रही हो तो वो बच जाए, लेकिन तब उसकी मौत हो चुकी थी। जो पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बाद उसकी लाश चली गई और उसके पिताजी रमेश द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में गाँव के ही तीन व्यक्तियों को नामित किया गया है। उसके बाद इसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उधर एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के नगला सपड़ीन गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में दबंगों ने किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय दबंगों के खौफ के चलते मृतका के माँ बाप घर छोड़कर भाग गए, जबकि उनकी बेटी छत पर सो रही थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि छत पर सो रही उनकी 14 साल की बेटी को दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों की मृतका के पिता से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते देर रात उनकी कहासुनी होने के बाद दबंगों ने घर में घुसकर किशोरी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। साहब हमारे घर पर चढ़कर तीन लोग आए और पीछे 8-10 लोग आए, उन्होंने गाली गलौज की, दारू पी गई और हम तो घर हमारी बीवी और हम तो घर छोड़कर भाग गए। हमारे घर पर चढ़ के आ गए, मेरी बेटी मेरी छत पर उसको गोली से मार दिया। बेटी को मारा। जैथरा का प्रकरण है। एक गांव में आसपास रहते हैं दोनों में कहीं 2 दिन पहले शादी में विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर कल फिर विवाद हुआ और गोली फायर हुआ, जिसमें एक छोटी बच्ची जो 14 साल की थी लगभग छत पर थी, वो उसके नीचे आते समय उसके सिर में गोली ली, उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में 3 लोगों के खिलाफ लोग पंजीकृत कराया गया, सूचना चल रही, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के परिजनों की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। संभल से मुजम्मिल दानिश और एटा से संजीव कुमार की रिपोर्ट।